देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर जो है आपका 16, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट मतलब होता है हम किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन अपान एक्स टू एंड वाई वन अपान वाई टू। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें ये दिया गया कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट वी गेट, एक्स वन वाई टू एक्स टू वाई थ्री वाई वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ये फार्मूला बना। पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ सर्टेन एज अ क्वालिटीज ऑफ अ क्लॉथ इज ₹265। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 13 मीटर ऑफ क्लॉथ द सेम प्राइस। मतलब 5 मीटर जो कपड़ा है उसका रेट कितना है, 265 का, और 13 मीटर के जो कपड़े का है वह कितने का होगा। तो मैंने क्या लिखा, इस बॉक्स में लिख दिया। आई हैव मेनी वेज, बट ये सबसे बहुत अच्छा तरीका है। तो देखिए इसमें क्या किया मैंने, 265.5 इंटू रुपया वाला हमेशा ऊपर रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसमें भी, ठीक है। तो 5 × x इज इक्वल टू 265 × 13। अब देखिए क्या किए, 5 × x × 265 × 13, तो 5 है बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आया, डिवाइड हो गया। तो जब 5 से काटेंगे इसको तो देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, तो 53 × 13 मल्टीप्लाई करेंगे 689 आएगा। अब देखिए बच्चों दूसरा क्या दिया गया है, मारियाज हैज द रोड मैप विद द स्केल इज 1 cm, देन रिप्रेजेंटिंग द 18 किलोमीटर सी ड्राइव ऑन अ रोड फॉर द 72 किलोमीटर, व्हाट विल बी द हर डिस्टेंस एंड कवर्ड इन द मैप। देखिए सेम कंडीशन, क्वेश्चन दूसरे के लिए क्या बनेगा, इसमें इस तरीके से हमने एक्स वाई लिख दिया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ एक्स राइट किया, यहाँ वाई, और बच्चों जरा देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि पहला 1 cm का कितना है, 1 cm के लिए 18 है, और आपको जो है कितने सेंटीमीटर के लिए 72, तो वेरी सिंपल 72 कितने सेंटीमीटर के रिक्वायरमेंट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हमें आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ मॉडल ऑफ द शिप ऑफ द मास्ट इज द 9 cm, व्हाई द एज अ मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। इफ द लेंथ ऑफ द मॉप इज द 28 cm, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। देखिए पहले है मास्ट ऑफ हाइट और एक्चुअल हाइट, तो कितना है, 9 का में 12 हो रहा है, तो अब कितने 28 में कितने मॉप हाइट होगा। तो नाउ व्हाट आई डू, सेम कंडीशन मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या होगा बच्चों, देखिए इसको इसमें कर दिया, इसको इससे, तो देखिए 12 × देखिए यहाँ पे 12 × कितना हो गया, एक्स इंटू 9 × 28, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा डिवाइड हो गया, और इसको डिवाइड करने पे क्या करेंगे बेटा, देखिए 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 7 × 3 = 21 cm हाइट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ कार ट्रेवल 132 किलोमीटर ऑन द 20 लीटर। मतलब कोई कार जो है अगर सीधा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, कोई कार यदि 20 लीटर में कितना जा रहा है, 20 लीटर में वो 320 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो 32 किलोमीटर में कितना जाएगा बच्चों, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट योर आंसर 20 × x = 320 × 32। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 में कहा है कि द कॉस्ट ऑफ 25 टेबल्स इज ₹20,000। ओके, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 90 सच टेबल्स। अब बहुत सरल दिया है, अब देखिए क्या कहा है, ये कह रहा है कि आप बताइए हमें कि जो है 9 का क्या होगा, ठीक है 90 का, तो 90 सच टेबल का अगर 25 टेबल्स का 20,000 रुपीज हो रहा है, वेरी सिंपल क्लियर। नाउ इफ ठीक है 25 रुपीज कॉस्ट इज इक्वल टू 20,000 रुपीज, देन व्हाट द कॉस्ट ऑफ 90। नाउ सेम कंडीशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों,
तो 25 इंटू एक्स इक्वल टू 90 इंटू 20, 25 से डिवाइड कर देंगे तो 25 × 25 और 25 × 8 कितना होता है बच्चों 200 होता है, ये 200 हो गया और ये 0 800, तो 90 × 800 = 72,000 रुपीज इसका टोटल जो है 90 टेबल्स का होगा।